गुड मॉर्निंग, जैसे कृष्ण, वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। कैसे फ्रेंड्स आप सब? हम एकदम मस्त बढ़िया। और हमारी मंगलवार की सुबह हो चुकी है, कुछ मस्त इतनी खूबसूरत सी सुबह के साथ। अभी अभी मैं बाहर जाके आई, थोड़ा सा काम था तो वो ख़त्म करके आई हूँ। और बाहर थोड़ी ठंड भी थी आज, तो जैकेट पहन के जाना पड़ा मुझे। तो अच्छी वाली ठंड भी है बाहर। तो बस जनक को सुबह जॉब पर छोड़ने गई थी क्योंकि मुझे कार चाहिए थी, और फिर उनको रख कर मैं वापस आ गई। थोड़ी देर लेट ही थोड़ा सा काम किया, फिर निकल गई काम ख़त्म करके। अभी फ्री हुई हूँ। उस चक्कर में मेरी थायराइड की दवा भी मैंने थोड़ी सी लेट पी आज, इसलिए अभी क्या है कि उसका थोड़ा टाइम जाता है, तो मतलब टाइम चाहिए उसको। तो आप जब आप कोई भी अगर आप थायराइड की दवा ले रहे हो तो आपको 1 आवर या फिर 45 मिनट्स ऐसा टाइम चाहिए होता है, उसके बाद ही आप कुछ भी खा पी सकते हो। तो क्या है, दवा का असर अच्छे से होता है, अदरवाइज़ वो फिर कुछ वर्क ही नहीं करता अंदर जाकर। इसलिए पहले जब स्टार्टिंग में मुझे था ना, तब मैं डॉक्टर लोग आधी बात तो बताते नहीं, तो बस ऐसा ही हुआ था। मतलब इंडिया में किया था तब मैंने, तो तब ऐसा था। तो मैंने खाना मतलब दवा लेकर तुरंत ही कुछ भी खा लेती थी, पी लेती थी, करती थी। फिर मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, उसको टाइम देना पड़ता है, तब जाके मैंने वापस से अच्छे से मतलब जो उसका रूल्स है वो फॉलो किया, तब जाके अभी थोड़ा सा खाना पीना थोड़ा सा चेंज किया है ना, थोड़ा सा फ़र्क है। तो चलिए बस अभी इसको भी हमारा जो सोलर है ना बाहर रख कर आते हैं। जनक बोल के गए थे भूलना मत, रख देना। तो आज फिर वो क्या करेंगे, आज रात को, आज थर्ड डे है, यस, आज रात को वो शाम को आकर फिर लाइट लगाएंगे। वो रख देते हैं अभी बाहर उसको मस्त सनलाइट में। तो क्या है कि अभी अभी मस्त अच्छी सनलाइट, ये देखिए है ना, तो मस्त वो हो जाएगा, आता रहेगा उसको। तो सोलर आज हो जाएगा, फिर जनक आकर रखेंगे, देखते रात को कैसा लगता है। और प्लांटेशन भी मैंने है ना 2 दिन से सोच रही हूँ कि मेथी की भाजी लगाऊँ लगाऊँ करके रह जा रही है, तो सोच रही हूँ आज तो फाइनली वो भी कंप्लीट कर ही देती हूँ। तो क्या है, अभी ठंड है थोड़ी थोड़ी सी, तो हो जाए फिर। तो अक्टूबर से तो ऐसे भी कुछ आई डोंट थिंक सो होगा भी, लास्ट लास्ट में जो हो जाती है तो फ्रेश फ्रेश खा लेते हैं। तो अभी देखती हूँ ये मंथ के एंड तक मैं ये जो मेरी रताछुड़ की भाजी है ना उसकी भी सब्जी बना ही दूंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी है, तो बना के खा लेते हैं फ्रेश फ्रेश। तो चलिए देखती हूँ आज मेथी की भाजी और धनिया दोनों का मेरा, मैंने सोचा है कि दोनों ही थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। धनिया तो आगे भी डाला था मैंने, पर तब वो समर की वजह से है ना, पूरे शायद ज़्यादा गर्मी की वजह से वो जल गए कि पता नहीं क्या हुआ। हुए भी थे अच्छे से, पर पूरे इतने इतने हुए ना, मस्त निकले थे, इतने इतने हुए और जल मतलब ऐसे ही सूख गए। तो शायद मेरे ख्याल से धनिया है ना, जैसा हमारा एकदम समर होता है ना, तकता बकता जैसा, तब नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा सा अच्छा है, और अभी मतलब सनी वेदर होता है ना उसमें भी इतना नहीं होता, थोड़ी सी ठंडक जैसे था। हमारे यहाँ कैसा विंटर होता है, बस अभी वो सीज़न है यहाँ पे फॉल की सीज़न, तो अच्छा है। तो आज मैं वो सोचा है मैंने कि आज वो ख़त्म करूँगी। तो बस चलिए थोड़ी देर बाद, अभी तो मुझे थोड़ा टाइम है, तो बाद में चाय नाश्ता करती हूँ, जनक को भी फ़ोन कर लेती हूँ, तो बाद में अपना काम शुरू करती हूँ, थोड़ा सा टिफ़िन वो सब का भी रेडी कर देती हूँ ताकि थर्सडे फ्राइडे में प्रॉब्लम ना हो। फिर चलिए थोड़ा सा आराम करके फिर शुरू करती हूँ सब। तो 2 बज गए और मैंने सोचा कि चलो दूधी लाई हूँ तो दूधी के मुठिए बनाने में आएंगे, क्योंकि उस दिन हम पटर में गए थे ना, तो जनक को मुठ्ठी के ये दूधी के मुठियाँ खाने की इच्छा हो गई थी। तो फिर उन्होंने बोला चलो रहने दो, नहीं लेना, फ्रोजन वाले आते हैं वो, तो बोला कि नहीं लेना, रहने दो अभी। तो मैंने कहा ठीक है चलो। फिर मैंने उस दिन फिर दूधी ले ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो उनको घर पर गर्मा गर्म अच्छे से बना के खिलाती हूँ, तो थोड़ा उनको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इच्छा थी शायद खाने की। तो लाई थी, मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ, ताकि थोड़ा गर्मा गर्म होता है ना तो खाने में और मज़ा आ जाता है। ऐसे तो मैं छुट्टी के दिन फिर फ्रिज में रख के फिर हम लोग खा लेते हैं गर्म करके, तो पर इससे अच्छा है कि आज ही बनाऊँ और आज ही उनको खिलाऊँ, तो टेस्ट भी थोड़ा अच्छा रहता है ना। तो इसीलिए ये देखिए काफ़ी ऐसे तो मैंने ऑलमोस्ट हो ही चुका है, पानी ऐड नहीं किया है लास्ट टाइम, थोड़ा सा एक तो ये दूधी है ना पानी बहुत छोड़ता है, उसकी वजह से थोड़े सॉफ्ट जैसे हो ही जाते हैं। पर चलिए देखते हैं कैसे होते हैं, आज उनको लेने भी जाना है मुझे, तो बाद में फ़ोन आएगा तो लेने जाती हूँ। और बस
वेदर थोड़ा चेंज हो ही रहा है, तो आज सुबह जैसे मैंने आपको बोला कि मैं सुबह सुबह थोड़ा सा काम के से निकल गई थी, तो जो हवा लगी थी मुझे उसकी वजह से सर्दी हो चुकी है और थोड़ा सा वापस से ऐसे फीवर जैसा फील आने लगा है, क्या ही बोले, तुरंत ही पकड़ लेता है। तो बस इसलिए थोड़ा सा देखती हूँ ये हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ कैसा रहता है। मैंने टिफ़िन का भी थोड़ा बना ही दिया है, तो चलिए मैं अपना रेडी करती हूँ, होप सो मुठिया अच्छा बने, इसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। दोस्तों जनक भी आ ही गए और मुझे उनको लेने नहीं जाना पड़ा है क्योंकि उनके फ्रेंड उनको घर पर रख कर गए, तो मुझे लेने नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो भी नजदीक में ही रहते हैं। तो काफी अच्छा तो मैं निकल ही रहा था, तो पूछ लिया कि आज घर जा रहे हो कि दूसरी जगह पे, बोले टुडे आई एम गोइंग होम, चलो फिर तो फिर वो रख कर गए हैं। तो, तो, अच्छा तो बस इसीलिए अभी चाय नाश्ता करेंगे और आज तो ग्रीन टी ही बनाई है, ग्रीन टी ही पियेंगे ताकि थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी। अभी ये फ्लू चल ही रहा है सही है, वापस ये फॉल की वजह से सब कुछ, ऑफिस में भी सबको ऐसे खोखा हो रहा था, मुझे भी सुबह उठी फिर मैंने मास्क ही पहन लिया ऑफिस पर, अच्छा किया तार पता नहीं, मुझे भी सुबह मैं जाके आ रही उसके बाद सब आंखें भारी हो गई और अभी ये सर्दी जैसा, और वो दवा पी लेना एक बार रात को आज, हाँ उससे फिर नींद बहुत आती है इसलिए मैं बाद में पीऊंगी, हाँ तो रात को पी लेना। बहुत ही तबीयत ऐसी ठंडी लगती है गर्मी लगती है सब मिक्स चलता रहता है और हाँ, और उसकी वजह से बॉडी पूरी ऐसे वो करता यहाँ है ये वो खराब, पहले फॉल का आएगा फिर वो स्प्रिंग के टाइम आएगा और फिर तो, सर्दी में तो होता ही है तो विंटर का सीजन है क्या करे। तो बस दोस्तों मस्त मुठिया बना लिए है आज इनके लिए, आप उस दिन पूछ रहे थे ना मुझे खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, मतलब इनको सिर्फ ऐसे ही मैंने पूछा कि चलो बहुत टाइम हो गया यार बनाया ही नहीं, इन्होंने आज बना दिया था, थैंक यू सो मच, इतनी बीमारी में भी आपने मेरा ख्याल रखा, हम आपके आभारी है, धन्यवाद। तो दूधी थी, मैंने बोला चलो कल तो फास्ट है तो टेस्ट भी नहीं कर पाऊंगी, तो बेटर आज ही बना दो, हाँ इसलिए आज ही बना दिया मैंने ताकि चलिए अभी मस्त बातचीत करते हैं इधर उधर की बातें। यस तो फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 6:30 और ये चैपी इंसान ने हमें भी चैप थोड़ा लगा ही दिया फाइनली, तो वो कौन है वो आपको तो पता ही है कि क्या हो सकता है इनकी वजह से, ये सब जो हुआ है इनकी वजह से, ये है ये धुरंधर थोड़ा हमें भी आ गया है, सॉरी कोई बात नहीं, ये चैप ही ऐसा है कि ये फैलता ही है ऐसे, इसलिए जब ऐसे तबीयत खराब होती रहता है दूर रहो ऐसा, मैं ये है ना ये कहावत सुनी है ना कि गाड़ी सासरे में जाए दाई ने सीखा मना पे खुश है, क्या मैंने उल्टा बोल दिया, दाई सासरे में जाए गाड़ी ने सीखा मना पे, अब जो भी हो अभी ये बीमारी में ऐसा ही, तो देखो आँख भी थोड़ी लाल लाल हो गई मेरी, तो मेन तो है रहा बॉडी जकड़ लेती है पूरी, मेरा पैर पकड़ लिया है और ये गर्दन पकड़ ली है, मेरा तो पूरा ही पकड़ लिया है, चलो तो दोनों पकड़े गए हैं अभी अभी किस में पकड़े गए हैं, बकवास वाला वेदर है बाहर हाँ। के मतलब आपको कुछ करने का ही इच्छा ही ना हो, इतना बकवास वाला बेड पे सोने की भी इच्छा नहीं ऐसे हाँ। ऐसा तो सोचो कि मतलब चलो के बेड आराम से लेटे रहे ये भी करने का इच्छा नहीं है, भूख भी नहीं लगी पर अभी खाने के लिए खाना पड़ेगा ना, हाँ इन्होंने बोला कि थोड़ी देर आराम करो, मैं लेटने का लेटने की भी इच्छा नहीं हुई, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ही थोड़े गपशप कर लेते हैं, जो होगा वो साथ में देखा जाएगा, अभी उसमें क्या
और अभी ये बगले जो उड़ के गए इतनी आवाज करके गए, हाँ वो चिल्लम चिल्ली करके जाते हैं। अभी इन्होंने अभी खिचड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है, सोचा कि खिचड़ी ही खा लेते हैं क्योंकि रोटी और वो सब बनाने का है ना इतनी है, एनर्जी नहीं है दोनों में, दोनों थोड़े लथड़ा गए हैं लथड़ा। और एप्पल 16 क्या करना चाहिए, हाँ AI इंटेलिजेंस है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, और तो फोटो और वो सब आप अलग तरीके से सब कुछ अंदर कर सकते हैं, अलग तरीके से वीडियो बना सकते हैं, तो हमारे काम की चीज़ है, हमारे काम की चीज़ है, पर अभी नहीं खर्चा बहुत है भाई, खर्चा बहुत चल रहा है अभी उड़े जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंट्रोल मजनू कंट्रोल। कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम 17 लेंगे, 7 अपना लकी नंबर है ना, तो 17 देखेंगे या फिर 18 का राह देखेंगे, 8+1=9 ऐसा कुछ सोचेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी चल रहा है तो चलने दो, ऐसे खर्चे करने के नहीं है ना। पर अच्छा है एप्पल 16, काफ़ी लोग अभी उसकी डिज़ाइन सबकी सेम है, 13 से लेके 16 तक सेम ही है, बस सिर्फ अंदर चेंज हो रहा है ना, जब भी वो लोग लॉन्च करते हैं ना आपको नई चीज होती है तो कुछ एक एक दो चीज नहीं आ जाती है उसमें, हाँ नया लॉन्च करेंगे तो कुछ तो नया कुछ होना चाहिए ना, एजीटीसी रख देंगे तो कौन लेगा फिर, नहीं डिजाइन तो सेम ही है, हाँ सिर्फ फंक्शन अलग, फंक्शन अंदर से थोड़ा अलग है, वापस बटन वाला ना ला दे लोग कंटल गए, अभी वापस बटन वाला लाने तो ऐसा ना कर दे, टुक 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 ऐसा वाला, हाँ चलिए अभी खाना बना लेते हैं, आज तो दरिया करने वाली भी पर नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं, वो मेथी और वो कितने बजे, अभी कुछ नहीं अभी लेट हो गया, ना करो राइट, अभी अंधेरा हो गया, चलो अभी खाना बन जाए तो फिर खाना खा के फिर सो ही जाएंगे, आज तो ऐसा लग रहा है हालत खराबी हो रही है, हाँ एक साथ मतलब 3-4 तो मिनिमम गिन ही लेने की, तो उसकी वजह से है ना ये पूरा ढीला हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी ढीली रहती है और यहाँ पे जलने लगता है और सब, तो फ्रेंड्स आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अब यहाँ बहुत ही यहाँ वर्जीनिया में आसपास रहते हो तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी ये बहुत मतलब ये फॉल के टाइम ऐसा होता ही है, तो हमें अपनी केयर करनी चाहिए, मास्क पहन के चलो, मैंने थोड़ा पहना था ऑफिस पे इसलिए थोड़ा तो बच गया ऐसा लग रहा है, कल भी पूरा दिन पहने के ही रखूंगा, और घर में ऑलरेडी आ चुका था इसलिए बच नहीं पाए, हाँ हमारे समक्ष आ चुका था इसलिए हम जकड़े में आ गए, कोई बात नहीं अभी तो चलता है, थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा अंदर से जो वो है ना वो सब निकल जाता है, अच्छा। ऐसा समझो, हाँ टेक इट पॉजिटिवली, बीमारी को भी पॉजिटिवली लो फ्रेंड्स। 7:30 हो गए और आज तो बस बैठे बैठे ही हमारी रात हो गई है, क्योंकि दोनों की ही हालत, अभी जनक को थोड़ा सा गले में भी होने लगा है, तो चमकी ली दबन तो बस बाद में वो थोड़े कोवड़ा वो सब कर लेंगे, वो सॉल्ट डाल के करते हम लोग वो, तो बस यही है, तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है दोनों की ही, तो सोचा है कि खाना खा कर सो ही जाते हैं ताकि थोड़ा रिलैक्स रहे, आज लाइट वो सब भी करने वाले थे पर कुछ नहीं अभी करना है, क्योंकि इतनी सी भी एनर्जी नहीं है, एनर्जी की नहीं पर वो अंदर शरीर में कुछ हो रहा है, हाँ ऐसे ये पूरा ऐसे ठंड लगने वाली है ऐसा, हाँ बस ये और ये पूरा ऐसे पेन कर रहा है वैसा हो रहा है, तो कमर और पैर और सब दर्द करने लगा है, चाहे भाई मैं 20 लगेगा 20 में प्रॉब्लम, तो चलिए फ्रेंड्स ब्लॉग का एंड भी यही करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आज थोड़ा सा आपको ऐसा ही दिखेगा क्योंकि दोनों के कर लेना अच्छे हो जाए हम, हाँ तो कल हम मस्त अच्छे से वापस से आ जाएंगे खिलखिलाते हुए, तो चलिए मिलते हैं कल, अपना भी ख्याल रखिए, वेदर बहुत चेंज हो रहा है, तो तब तक बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, गणपति बप्पा मौर्य। We began to feel